हाय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 6.1 का जो क्वेश्चन है, फोर्थ, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज ऑफ सम फार्म ओनर इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंज बाय अज्यूमिंग मेथड। हमें अज्यूमिंग मेथड से प्रोडक्शन का मीन निकालना है ऑरेंज का, कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है। क्लास प्रोडक्शन में मैंने ये लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हो। देखिए 25 to 30, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया उसे 25 to 30, और जो फ्रीक्वेंसी है तो हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर मैंने यहाँ पर राइट किया। ओके, तो ये पहले आपको ये राइट करना है फ्रीक्वेंसी वगैरह का, और ये जब राइट आप कर लोगे बाद में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्लास मार्क किस तरह निकालते हैं, हम इन दोनों की क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों की एडिशन और उसको 2 से हम डिवाइड करते हैं। मान लो 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 के हाफ कितने आ जाएगा, 55 के हाफ हो जाएंगे 27। मैं साइड में करता हूं, आप भी साइड में करके देखिए, 27.5 ये हो गया 65, 65 के हाफ 32.5, 5 का डिफरेंस है, तो ये 37.5, 42.5, और ये हो जाएगा 47.5। तो ये हमारा ये निकल चुका है क्लास मार्क। देखिए फिर हमने ये राइट कर चुके 27.5, इन दोनों की एडिशन करके 25.30 इसको हफ किए, 27.5 30 + 35 होता है 65, इसकी हफ किए हमने 32.5, 35 to 40 इसके कितने होते हैं 75 के हफ इतने हो गए, 40 to 45 इतने हो गए इसके हफ, 45 to + 50 तो ये होते हैं 95 के हफ इतने हो गए। अब चलिए हम अज्यूम कर लेते, तो अज्यूम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं इसे अज्यूम कर लेता हूँ, किसे, इसे अज्यूम कर लेता हूँ, मैं इसे अज्यूम कर लेता हूँ। जब इसे अज्यूम कर लूंगा, तो आपको पता है क्या हम डिवीशन किस तरह निकालते हैं। तो डिवीशन निकालने के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला राइट किया, देखिए मैंने यहाँ पर राइट कर चुका हूँ 37.5, हमने इसको क्या किए डिवीजन मेथड से हमें सॉल्व करना है। अब डिवीजन किस तरह निकलेगा, एक्स आई में से माइनस 37.5 करना पड़ेगा। तो अगर हम देखिए एक्स आई माइनस 37.5, ये डिवीजन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, डिवीजन निकालने के लिए। तो जब हम डिवीजन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मैं फिर से अच्छे से राइट करता हूँ, देखिए डिवीजन इज इक्वल टू एक्स माइनस 37.5। तो x मान लो 27 है, मतलब उसमें 27 अगर हम राइट करते हैं तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 27.5 माइनस 37.5। तो अगर हम इसमें से माइनस करते तो आपको पता है माइनस 10 हमारे पास में इसका आंसर आएगा, माइनस 10। तो चलिए यहां पर राइट कर दीजिए माइनस 10। उसी तरह हम अगेन डी निकालने के लिए एक्स मीन्स 32.5 माइनस 37.5। तो अगर इसमें से हम माइनस करते तो हमें पता है या इसमें कितना आएगा माइनस 5। तो यहां पर राइट कर दीजिए माइनस 5, और 37.5 में से अगर हम इसको माइनस भी करते तो आंसर कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। अब 42.5 में से अगर हम माइनस करते तो आंसर 5 आएगा प्लस, और ये 10 आएगा, आप करके देख लीजिए। तो इस तरह हम इसको डिवीशन निकालते हैं। अब ये डिवीशन निकाल दिया, अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इंटू डिवीशन निकालना है। तो हमें डी आई इंटू एफ आई करना है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा माइनस 200, ये कितना हो जाएगा -125। 15 इंटू 0 आंसर इज 0, ये आ जाएगा 50। ओके, 10 इंटू 5 10 5 50, और ये आ जाएगा
100। चलिए इसका कैलकुलेशन हम करते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी को जब हम निकालेंगे तो ये सिग्मा का साइन एफ आई फ्रीक्वेंसी, हम उसको एफ आई भी राइट कर सकते हैं या नंबर एन भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इनकी एडिशन है 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 आ गया इसका। कितना आ गया? 80। और इनका देखिए ये 200 और ये 200 और ये 125, तो ये होगा 325 में से 150 हमें माइनस करना है। तो आ जाएगा इसका माइनस, ये आ जाएगा एफ आई डी आई इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख देता हूँ उसका आंसर, तो उसका माइनस 175। कितना आएगा? माइनस 175 हमें, तो इससे पता लग गया हमें माइनस 175। तो चलिए अब यहाँ पर हमें मेथड ध्यान में रखना है, मैं अज्यूम मीन मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं, अज्यूम मीन मेथड। तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, हियर हमें जो मिल चुका है एफ आई डी आई कितना मिल चुका है? माइनस 175, और सिग्मा एफ आई कितना मिल चुका है हमें? 80। तो अब डिविएशन मेथड का, हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किए थे, डिविएशन इज इक्वल टू फार्मूला हमने यूज किए थे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट कीजिए, एफ आई डी आई कितना आया? 1-175 और ये 80। इनका अगर आप कैलकुलेशन करोगे, मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, आप भी साइड में इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते तो हमें आंसर कितना मिलेगा? माइनस 2.875। तो हम इसको नॉर्मली इसको एक मान लेते हैं और इसको इस तरह लिखते हैं माइनस 2.19, इस तरह हम राइट करेंगे। थोड़ा मैं इसे राइट कर लेता हूं, इसे माइनस अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू मैंने उसकी पुट कर दिया हो। ठीक है, तो चलिए आगे, अब मीन हमें निकालना है। क्या निकालना है? मीन हमें निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम कैसा यूज करते हैं फॉर्मूला? मीन को एक्स से डिनोट करते हैं हम, तो मीन निकालते हैं हम डिवीजन में ए प्लस डिवीजन, अज्यूम कितना किए थे हमने? 37.5 प्लस डिवीजन कितना निकला? माइनस 2.19, तो कितना हुआ है? 37.5 प्लस माइनस माइनस 2.19। इनका अगर आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो समथिंग कितना आएगा? मैं यहां पर राइट करता हूं, देखिए इनका सब्सट्रैक्शन अगर आप करते हो थ्री फाइव पॉइंट थर्टी वन, और इसके आगे लिख सकते हैं हम इसे, इसे कितने थाउजेंड में है? अगर मान लो इसके 1000 रुपीज में लिखना है तो हमें इसको लिख सकते हैं, इसको 1000 रुपीज में लिख सकते हैं हम 3530000। ओके, यहां पर हमारा ये आंसर करेक्ट आ गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आंसर है हमारा, ये आंसर है हमारा लास्ट, तो ये आंसर 35310। तो प्लीज ये जो हमने जो बनाया हुआ है ये आंसर के लिए, मैंने आपको जो बताया 35310, 1000 में लिखना था क्योंकि हमें 1000 में बताया गया था। अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।